तो दोस्तों ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से पूर्वांचल यानी कि बिहार के बॉर्डर तक एक्सप्रेसवे से सुपर कनेक्टिविटी हो गई है। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आगे का क्या प्लान है, यानी कि इसके आगे बिहार, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में कैसे कनेक्टिविटी होगी, यानी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आगे कौन कौन सा एक्सप्रेसवे बन रहा है या बनने वाला है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अब ऑपरेशनल है। लास्ट ईयर ही 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया गया था। तो इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के हैदरिया तक यानी कि बिहार बॉर्डर तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गई है। तो काफी लोग कमेंट करके इसके रूट के बारे में पूछते हैं। तो इसका रूट है दिल्ली से नोएडा, फिर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे, फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो नोएडा से लखनऊ तक सभी एक्सप्रेसवे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बीच लखनऊ में लगभग 40 किलोमीटर का गैप है और इसमें आपको लखनऊ में ट्रैफिक भी मिल सकता है। लेकिन लखनऊ रिंग रोड का काम भी प्रोग्रेस में है और लखनऊ रिंग रोड के बनने के बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक सुपर कनेक्टिविटी हो गई है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में हैदरिया के पास एंड होती है, लेकिन अब इसे बलिया तक बढ़ाया जाएगा। हैदरिया के पास NH-31 से बलिया डिस्ट्रिक्ट में माझी तक लगभग 23 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बनाने में लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिसमें से पिछले अनुपूरक बजट में ही 50 करोड़ रुपए जारी कर दिया गया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 16 गांवों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू है। तो इस लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से बलिया से भी लखनऊ, आगरा एवं दिल्ली तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में काम स्टार्ट हुआ था तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 3 लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की भी घोषणा हुई थी और ये लिंक एक्सप्रेसवे हैं अयोध्या लिंक एक्सप्रेसवे, वाराणसी लिंक एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। और अगर इनके रूट के बारे में बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से भी क्रॉस करती है। तो लगभग 25 किलोमीटर के लिंक एक्सप्रेसवे बनाने से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अयोध्या डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा। दूसरी तरफ वाराणसी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए आजमगढ़ से वाराणसी तक लगभग 80 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे बनाने का प्लान है। और तीसरा लिंक एक्सप्रेसवे है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। इन तीनों एक्सप्रेसवे में से अभी केवल गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में काम चल रहा है और लगभग 44% वर्क भी कंप्लीट हो गया है। और अगले वीडियो में हम लोग गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में डिटेल में अपडेट देखेंगे। तो इसके साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बिहार में पटना और भागलपुर जबकि वेस्ट बंगाल के कोलकाता तक कैसे कनेक्टिविटी होने वाली है, आइए देखते हैं। तो लगभग 2 साल पहले मैंने इस वीडियो में बताया था कि बिहार में एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है और पटना एक्सप्रेसवे भी नहीं बन पाया। हालांकि ये 2 साल पुराना वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लेना। लेकिन अब बिहार में भी कई सारे एक्सप्रेसवे बनने वाले हैं। पिछले साल ही 28 अगस्त 2021 को रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा था कि गाजीपुर में जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एंड होती है वहां से आरा होते हुए पटना तक एक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। लेकिन अब इसे पटना से आगे बढ़ाकर भागलपुर तक बनाने का प्लान है। रिसेंटली बिहार के PWD मिनिस्टर नितिन नवीन जी ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जहां पर एंड होती है वहां से पटना होते हुए भागलपुर तक एक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। अभी इसका DPR बनाया जा रहा है और इस एक्सप्रेसवे का नाम होगा बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे और इसकी टोटल लेंथ होगी लगभग 450 किलोमीटर। अभी इसका रूट फाइनल नहीं है लेकिन ये गंगा नदी के लगभग पैरेलल ही बनाया जाएगा और ये 4 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भागलपुर तक एक्सप्रेसवे के बनने से बिहार की राजधानी पटना के साथ साथ भागलपुर और उसके आसपास के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के साथ साथ झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर एरिया तक दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसके अलावा पटना से कोलकाता तक एक और एक्सप्रेसवे बन रहा है
और इस एक्सप्रेसवे के बनने से कोलकाता से दिल्ली तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। और इतना ही नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गोरखपुर तक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो कि ऑलरेडी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन अब गोरखपुर से वेस्ट बंगाल में सिल्लीगुड़ी तक एक और एक्सप्रेसवे बनने वाला है। तो गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बनने से गोरखपुर के साथ साथ बिहार के काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स और वेस्ट बंगाल में सिल्लीगुड़ी तक एक्सप्रेसवे की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी देश की राजधानी दिल्ली से। और सिल्लीगुड़ी से आगे वेस्ट बंगाल के बाद नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में भी जाना काफी आसान हो जाएगा इस एक्सप्रेसवे के बनने से। वैसे बिहार में बन रहे इन तीनों एक्सप्रेसवे, यानी कि बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे और गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बारे में इस वीडियो में मैंने विस्तार से बताया है। हालांकि ये सभी एक्सप्रेसवे अभी प्राइमरी स्टेज में है, लेकिन इन एक्सप्रेसवे के बनने के बाद ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के एरिया से दिल्ली तक एक्सप्रेसवे की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से आगे बनारस तक बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है, और बनारस से कोलकाता तक नए एक्सप्रेसवे के बारे में इस वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस तरह से पटना, रांची और कोलकाता जैसे शहरों तक एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।